सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यू पी एस सी चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स आपके पब्लिश हुए हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स आ रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड इतने ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं तो टाइम लग जाता है कावेरी है ये ठीक है थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कावेरी डिस्प्यूट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो दिस इज़ बेसिकली लिंक्ड विद पॉलिटी पार्ट पॉलिटी से रिलेटेड है पॉलिटी प्लस जोग्राफी दोनों को लिंक करके है देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी Uh, इसमें भी हम पॉलिटी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड uh, कर सकते हैं uh, कालाम्बू रिवर कहाँ लोकेटेड है जोग्रफी जोग्राफी का टॉपिक है एन आर एफ इस साइंस 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 से रिलेटेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें जी ट्वेंटी एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये आपका दिस इज बेसिकली रिलेटेड एंड लिंक्ड विद इसको हम कह सकते हैं दिस इज लिंक्ड विद आई आर एंड देन ए आई एंड सोसाइटी अगर आप देखोगे ना इस बार भी जी एस पेपर वन में प्रश्न था पहले भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था और इस पर फिर से आर्टिकल आया है तो अगर आप देखोगे तो इस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था और जी एस पेपर वन मेन्स के अंदर क्वेश्चन भी आपका आया था और मेन्स का क्वेश्चन है देट आई आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू तो आज हम लोग ये सारे जो टॉपिक्स हैं ऑल दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हम एक एक करके जो है सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड uh, uh, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और अगर आप आई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ पांडे यू ऐप जरूर से डाउनलोड करें और ऐप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की क्लासेस जल्द शुरू होने वाली हैं और अभी uh, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी आप जुड़ सकते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी अभी हमारी एट क्लासेस हो, हो चुकी हैं नाइन्थ क्लास आज है तो आप नहीं जुड़े हैं ज़रूर से जुड़ें क्योंकि उनकी आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं और फिर जल्द से जल्द जल आप लाइव क्लास कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर ऑप्शनल की बात करें और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की क्लासेस भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वाली जो क्लासेस हैं वो भी आपका है तो अभी थर्टी परसेंट डिस्काउंट का चल रहा है कोड मैं अभी क्रिएट कर दूंगा तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है ये आपको पेपर टू एंड फोर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो इसमें अगर आप देखोगे तो इथिक्स एंड गवर्नेस सिटीजन सेंट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन सोशल कैपिटल और रिपोर्ट ऑन टेररिज्म ये चार चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके आ, दीज आर द फोर रिपोर्ट्स जो कि आपके जी एस टू जी एस थ्री जी एस फोर के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग कवर करेंगे ठीक है वी विल डिस्कस ईच ऑफ दम और ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आपको जरूर से जुड़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका टेलीग्राम चैनल है ये ठीक है सौरभ पांडे यू पी एस सी ये टेलीग्राम चैनल है इसमें आप लोग आंसर अपना पोस्ट करते हैं तो ये इस तरीके का लोगो लगा हुआ है तो ये टेलीग्राम चैनल है इस पर जरूर से करें इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसी पर आपको अपने आंसर पोस्ट करना है कल मैं क्वेश्चन नहीं दे पाया था आज क्वेश्चन आपको जो है वो मिल जाएगा तो शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक पहला टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं कावेरी वाटर वा, वा, कनेंट्रम तो कावेरी वाटर के कंटेक्स्ट में है तो यहाँ पे बात अगर की जाए तो देखो एक थॉट प्रोसेस आपको रखना है और वो क्या है कि देखो इस तरीके से जो जोग्राफिकल आस्पेक्ट है जो जोग्रफ़िकल डेवलपमेंट्स हैं जैसे मान लो आज के समय में क्लाइमेट चेंज हो रहा है कहीं पानी कम हो रहा है कहीं पानी ज़्यादा हो रहा है ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है जैसे नदी बह रही है अब नदी में ये माना जाता है कि ठीक है चलो इतना पानी है तो स्टेट्स आपस में पानी शेयर कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि पानी का जो लेवल है नदियों में वो कम हो रहा है अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जो नदी से आके जुड़ती हैं तो वहाँ भी पानी ज़्यादा आपका नहीं पहुँच रहा है इससे नदियाँ सूख रही हैं अब इससे क्या स्टेट स्टेट के बीच में ही आपका डिस्प्यूट एराइज होगा तो एक नए प्रकार के पॉलिटिकल चैलेंजेस देखने को मिलेंगे तो किस तरीके से जो जोग्राफिकल जो जो डेवलपमेंट्स हैं या क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें हैं वो कैसे आपका स्टेट स्टेट रिलेशन को अफेक्ट कर सकती है एक नया इंटरलिंकेज है जो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए ठीक है तो ये बहुत अच्छा एक इंटरलिंकेज आपके मन के अंदर होना चाहिए कि जो भी डेवलपमेंट है जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें अगर हो रही हैं तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरीके से ठीक है जो ये क्लाइमेट चेंज है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज किस तरीके से स्टेट स्टेट का जो रिश्ते हैं वो चेंज हो रहे हैं स्टेट स्टेट जो रिलेशन है या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन में किस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसमें जब आप लिखते हो तो ये कावेरी डिस्प्यूट भी मेंशन कर सकते हो जो आर्गुमेंट है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बट इसको आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि देखो सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत है पीने के पर्पज़ से लिए इरीगेशन पर्पज़ के लिए लाइट बनाने के पर्पज़ के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज हैं जिसके लिए आपको चाहिए मीन्स नीड वाटर अब अगर पानी अवेलेबल ही नहीं होगा रिवर के अंदर तो उसके अपने ही एक चैलेंजेस जो है वो देखने को कंटीन्यूस बेसिस में आ, आ, आपके आ, मिल रहे हैं ठीक है थीके? ये ध्यान में रखना तो यहाँ पे अभी क्यों हम ये चीज़ डिस्कस क्यों कर रहे हैं वाई वी आर डिस्कसिंग देन बिकॉज ऑफ दिस आस्पेक्ट बिकॉज सेप्टेम्बर ट्वेंटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को कहा है आज कर्नाटका की वो पाँच हजार क्यूबिक फीट पर सेकेंड जो पानी है कावेरी रिवर को उसको तमिलनाडु को पंद्रह दिन तक करते रहे मतलब भेजता रहे कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये बहुत उनके लिए मुश्किल है क्योंकि इट विल बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट अब उनका आर्गूमेंट वही सिंपल सी बात है कि यार जब हमारे पास ही पानी नहीं है और हमारे किसान हैं उनको भी पानी की ज़रूरत है तो हम पानी तो कैसे दे सकते हैं ये सब चीज़ें भी हैं तो यहाँ पे ये मतलब स्टेट्स के बीच में एक जो रिश्ता है दैट दैट कैन बी अफेक्टेड इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट अब यहाँ पे कैसे जैसे कर्नाटका में बेंगलुरु है वहाँ पे पानी की क्राइसिस की पॉसिबिलिटी है उसके बाद तमिलनाडु को भी काफ़ी अधिक जो है पानी की ज़रूरत है अच्छा तमिलनाडु की खास बात क्या है आप सभी को पता है कि तमिलनाडु जो आपका हमारा अक्टूबर नवंबर का जो समय होता है जिसमें ठंड के टाइम आपकी बारिश होती है मतलब अक्टूबर नवंबर के समय जो बारिश होती है नॉर्थ ट्रेड विंड्स जो होती हैं उसके माध्यम से जो बारिश होती है वो तमिलनाडु में होती है जनरली जब साउथ वेस्ट मानसून आता है उस समय तमिलनाडु में कम बारिश होती है तमिलनाडु में बेसिकली ये जो समय होता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड वाला उस समय बारिश आपकी ज़्यादा होती है तो ये एक बड़ा फैक्टर कि उसे पानी के लिए दूसरे स्टेट पर मान लो कर्नाटका पे निर्भर करना जैसे मान लो ये आपका रीज़न है तो ये आपका यहाँ पे तमिलनाडु है तो जो ये रिटर्निंग विंड्स होती हैं जिसे हम नॉर्थ ईस्ट स्ट्रीट विंड्स भी हम कहते हैं तो ये जो विंड्स होती ये विंड्स पानी मॉइस्चर कैरी करेंगे और यहाँ पर बारिश कर और फिर इसी समय जो कई क्रॉप्स होती हैं वो क्रॉप्स आपकी तमिलनाडु में ग्रो करती हैं तो अब देखो साउथ वेस्ट मानसून से भी जो बारिश है वो रिड्यूस हो रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एल नीनो ये साल एल नीनो ईयर बोला गया एल नीनो से क्या होगा कि आपकी जो रेनफॉल है दैट रेनफॉल विल रिड्यूस अब रेनफॉल रिड्यूस होगी मतलब पानी जो है वाटर की अवेलेबिलिटी है दैट विल रिड्यूस अब इस तरीके से पानी को शेयर कैसे किया जाएगा कर्नाटका कहेगा देखो बेंगलुरु में पानी पीने को नहीं है तमिलनाडु कहेगा देखो अभी साउथ साउथ वेस्ट से तो हमारा जो है पानी आता नहीं तो आप जो एग्री कर रहे हो हमको कावेरी का पानी देने का वो देना आपको पड़ेगा क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी मानसून के दूसरे फॉर्म में पानी आता है उस पर हम निर्भर काफ़ी हद तक जो है आ, करते हैं तो ये पॉइंट आपका हाईलाइट किया तो हाउ इज़ द कावेरी वाटर बींग शेयर तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अपना जो फाइनल अवार्ड 2007 में दिया था और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी 2018 के अंदर आया था उसमें किस तरीके से पानी को शेयर किया जाएगा ये चीज़ आपका हाईलाइटेड है ये चीज़ आपकी जो है हाईलाइट की गई अच्छा आपको जैसे कंटेंट अगर नोट डाउन करना है तो आप पॉज कर सकते हो ठीक है और इसमें देखो सेवन हंड्रेड एंड फोर्टीन थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर वो अवेलेबल रहेगा कावेरी बेसिन में नॉर्मल ईयर्स में एंड मतलब जो भी बात आपकी कावेरी ट्रिब्यूनल के द्वारा जो बातें आपकी बोली गई हैं उस चीज को ऑनरेबल कोर्ट ने भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट किया है और इसमें एक वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट हाईलाइट किया है अब इसमें देखो ये तो रटना नहीं पड़ेगा आपको इसको रटना नहीं बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ये लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आपको इस पे आपको रटने की जरूरत नहीं है बिकॉज इतना डेटा याद नहीं रहेगा लेकिन हाँ आपको ये देखना है कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी कुछ बातें बोली हैं कि कुछ पानी को शेयर करना पड़ेगा उस उस चीज़ पर एग्री जो है वो किया गया है, है और कावेरी वाटर जो डिस वाटर जो अवार्ड ट्रिब्यूनल है जिसके माध्यम से डिसीजन मेकिंग भी की गई है कि हाँ पानी इतना पानी एटलीस्ट पानी जो है देना चाहिए तो सर्टेन लेवल ऑफ वाटर जो देना चाहिए तो उस चीज़ को भी फिर कर्नाटका को मानना पड़ेगा अब उसको इस चीज़ को स्केप करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑल दो जैसे मान लो पानी बंद कर दिया जाए सपोज अगर पानी बंद कर दिया जाएगा तो उस स्थिति में uh, तो uh, जैसे फिर uh, कर्नाटका कहेगा देखो हमारा देना बहुत मुश्किल है जैसे अभी हमने स्टार्टिंग का आर्गूमेंट देखा कर्नाटका कहेगा हमें देना बहुत मुश्किल है इसलिए देना बहुत मुश्किल है बिकॉज पानी आ नहीं रहा है या हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और आप कह रहे हो कि, कि तमिलनाडु तो को कंटिन्यूस बेसिस में पानी देते रहो इससे हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा ऐसा ऐसा कर्नाटका का जो है कहना है कोडागू ऑफ कर्नाटका यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि कोडागू रीजन है कर्नाटका का वायनाड ऑफ केरला है तो वो ये सब रीजन कावेरी के अंडर आते हैं काम्बनी की बात करें वहाँ पे भी रेनफॉल की कमी आई है कोडागू रीजन की बात करें कर्नाटका वायनाड केरला की बात करें या काम्बनी रीजन ये ऐसे रीजन से जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो जो नदियाँ होती हैं तो नदियों की रिवर बेसिन जैसे मान लो ये रिवर है ये रिवर इस तरीके से बहती है तो इस रिवर में क्या है अलग अलग रिवर दूसरी रिवर आके जुड़ती हैं जब दूसरी रिवर्स आके जुड़ेंगी सपोज़ अगर दूसरी रिवर्स आके जुड़ती है तो इससे क्या होता है इसमें पानी का जो वाटर का लेवल है रिवर के अंदर तो वो इंक्रीज़ होता है जैसे कावेरी है तो उसका पानी बढ़ेगा अब मान लो कोडागू रीजन है या आप मान लो केरला का रीजन वायनाड है या काबिनी काबिनी रीजन है अब यहाँ पे पानी की डेफिसिट है इट मीनस वॉट पानी की कमी है तो इट इसका मतलब क्या है अगर पानी की कमी है इस जगह पे तो कावेरी रिवर पे पानी कम आएगा कावेरी रिवर में पानी कम होगा तो वाटर की अवेलेबिलिटी कावेरी में कम होगी ओवरऑल फिर इससे पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी तो फिर कर्नाटका कहेगा जितना पानी हो तो हमें अपने लिए चाहिए हम कैसे जो है तमिलनाडु को दे सकते हैं तो यहाँ पे देखो यही एक डिस्प्यूट का बड़ा हरी रीजन होगा देशों के मतलब स्टेट्स के बीच में क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है एलनो जैसे ईयर्स बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहे हैं एलिनो ईयर्स की भी अगर आप बात करोगे तो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहा है एलिनो ईयर्स तो जब ऐसी स्थिति हो रही है कि आपकी एलिनो जैसे इस साल भी एलिनो है दो का अगर एलिनो ईयर है तो, तो द रेनफॉल आपकी कंपरेटिवली कम होगी रेनफॉल कम होगी पानी कम होगा तो वाटर का किस प्रकार से शेयरिंग होगी ये बड़ा चैलेंज बनता है और स्टेट्स कैसे एग्री करेंगे कैसे वाटर शेयरिंग एग्री एक अरेंजमेंट लेकर आएंगे तो ये तो है ही और ये भी आप समझो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, भी सेम सी बात है इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो उस पर भी हम यही तो कहते हैं कि तो उस पर चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चीज आज से पचास साल पहले चीज़ें डिफरेंट थी आज चीज़ें डिफरेंट हैं तो सेम मतलब उसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी हम रन नहीं कर सकते जैसे अगर पानी बचाने के लिए कहीं हमें डैम बनाना पड़ रहा है तो हमें बनाना पड़ेगा अदरवाइज़ सूखा पड़ सकता है कभी बारिश ना हुई तो उस पानी को रोकने के लिए पानी को बचाने के लिए हमें कई प्रकार के डैम्स बीच में कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे पाकिस्तान बाद में बोलेगा कि नहीं देखो आप क्यों कर रहे हो ये अगेंस्ट इंडर वास्टर इंडस वाटर ट्रीटी तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर देश देश के बीच में वो पानी का जो अरेंजमेंट है उसमें हमें कुछ एग्रीमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना पड़ेगा स्टेट्स के बीच में भी सेम सी चीज़ें विजिबल होंगी तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं दीज नेचुरल रिसोर्सिस आर गोइंग टू डिसाइड एंड डिटरमाइन जो भी uh, मतलब रिश्ते हैं स्टेट uh, uh, के बीच में या फिर आप कह सकते हैं स्टेट्स के बीच के रिश्ते हैं जैसे आपका देशों के बीच के रिश्ते हैं उसको डिसाइड और डिटरमाइन करेगा फिर नेक्स्ट देखते हैं हाउ सीरियस इज द सिचुएशन इन तमिलनाडु तमिलनाडु में कितना है अब यहाँ पे एक शब्द मैंशनड है लोअर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का क्या मतलब होता है राइपेरियन शब्द का मतलब ये हुआ जैसे मान लो कि जैसे मान लो ये नदी बह रही है सपोज करो ये नदी बह रही है ये इस टाइप से तो ऊपरी हिस्से में जो है वो अपर रायपेरियन होता है और निचले हिस्से में जो होगा वो तो लोअर रायपेरियन होगा मान लो पानी आपने ऊपरी हिस्से में रोक लिया तो यहाँ पे पानी आपका अवेलेबल नहीं होगा तो पानी यहाँ से कर्नाटका मान लो अपर रायपेरियन कर्नाटका है लोअर रायपेरियन तमिलनाडु है तो उसका यही कहना है कि देखो हम लोअर रायपेरियन हमें पानी की ज़रूरत हमारी बारिश जो है अभी नहीं होगी क्योंकि क्यों को उसका सिंपल सा बात है कि देखो जब ये ये तमिलनाडु का इलाका है दिस इज तमिलनाडु अब ये आपका वेस्टर्न घाट है तो यहाँ पे बा, जो बारिश है वो नहीं होती है मतलब बारिश जनरली किससे होती है सा, जो आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है उसके माध्यम से तमिलनाडु में होती है इस जगह पे ये क्या है रेन शेडो एरिया आपने जोग्राफी में पढ़ा भी होगा रेन शेडो एरिया रेन शेडो एरिया क्या होता है रेन शेडो एरिया रेन शेडो क्या है जैसे मान लो ये आपका पहाड़ है और पहाड़ के बाद ये मान लो आपकी इस टाइप से हवाएं चल रही हैं और यहाँ बारिश होगी यह बारिश पूरी की पूरी बारिश पूरा मॉइस्चर यहाँ आ जाएगा ये आपका क्या होगा इसको रेन शेडो बोलेंगे मतलब यहाँ पे बारिश आपकी नहीं होगी देर विल बी नो रॉयल फोन और वेरी लेस रेन तो सारी बारिश यहाँ हो जाती है जनरली अगर देखा जाए तो जैसे मान लो ये सारा का सारा जो रेनफॉल है तो इस जगह पे आपका हो जाएगा मतलब इधर होगा और तमिलनाडु जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके लिए क्या है रेन शेडो पड़ता है रेन शर्ट तो हो तो वहाँ बारिश होगी नहीं तो वो यही कहता है कि देखो जब तो हमारी बारिश नहीं होगी तो आपको पानी तो देना पड़ेगा उधर अगर आप पानी नहीं दोगे तो हम अपनी नीड कैसे पूरी करेंगे चाहे पीने के लिए हो इरिगेशन के लिए हो या दूसरे किसी भी पर्पस के लिए पानी उनको कहाँ से मिलेगा ठीक है तो जोग्राफिकल चीज़ें जोग्राफी से जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट्स के बीच के रिश्ते बहुत अधिक आज के समय में जो है डिस्कस कर मतलब डिसाइड करेंगे और जैसे अब ये सब चीज़ें लिंकेज आपको थोड़ा सा आना भी चाहिए मान लो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये फेडरलिज्म कैसे अफेक्ट कर सकता है मतलब स्टेट और सेंटर के बीच के रिश्ते कैसे अफेक्ट कर सकते स्टेट स्टेट के बीच के रिश्ते कैसे अफेक्ट कर सकते इस डायरेक्शन में भी आपको सोचने की जरूरत है ठीक है तो लेशन अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें आपकी जिम्मेदारी जो है बनती है तो ये आप लोग जरूर से ध्यान दें और कल मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए जो है वो डाल दिया था ठीक है कल मैंने एक वीडियो जो है वो आप लोग के लिए डाल दिया था और दैट वीडियो वॉज बेसिकली रिलेटेड विथ जो वीडियो था वो वीडियो की कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है वो मैंने वीडियो डाल दिया था तो आप लोग उसको गो थ्रू हो जाना ठीक है और आ, अपनी अटेंडेंस जरूर से देना आप सेशन कब अटेंड करते हैं जरूर हाईलाइट करना नेक्स्ट देखते व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट पैनल ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ठीक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या फाइंडिंग है ये देखना जरूर ठीक है तो ये टॉपिक आपका न पार्लियामेंट पैनल है अभी ये प्रश्न बन सकता है अगले साल के मेंस में बन सकता है इंटरव्यू में प्रश्न आ सकता है क्योंकि जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर तो उसमें बिल्कुल बढ़िया प्रश्न आपके लिए फ्रेम किया जा सकता है ठीक है तो यहां पे देखते हैं कि अभी एक कमेटी का गठन किया गया था जब आप देख सकते हो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन हेडेड बाय जो है विवेक ठाकुर एमपी हैं उनके द्वारा हेड की गई थी और इसमें किस तरीके से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन है उस पर उन्होंने लाइक एक मतलब एक, एक, एक स्पेशल सेशन अभी हमारा हुआ था इस इशू को लेकर मतलब जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें एक रिपोर्ट रखी गई थी तो जो रिकमेंडेशन है कमेटी की उसको भी रखा गया था तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके बिल्कुल आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम हो सकते हैं तो अब रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें हाईलाइट आपका किया गया है तो रिपोर्ट ने कहा कि भारत के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है ठीक है वन यूनिवर्सिटीज़ हैं और 70 परसेंट स्टेट एक्ट एंड 94 फोर परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर है और जस्ट 6 परसेंट ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं जब तो मैं सामने आऊंगा तो कंटेंट नहीं दिखेगा अगर हम एजुकेशन की बात करें वे यू टॉक अबाउट द एजुकेशन एजुकेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्टेट्स का अब आप, आप खुद इमेजिन करो कि नाइन्टी आपके जो है वो स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर है और मात्र सिक्स परसेंट सेंट्रल हायर एजुकेशन तो इस मीन्स वॉट कि स्टेट्स को रिसोर्सेज भी चाहिए और स्टेट्स लेवल की जो संस्थाएं हैं उनकी स्थिति भी इतनी कोई अच्छी नहीं है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को तो आपको पता है जो जो बच्चा वहाँ पढ़ता है उसी को टीचर बना देते हैं तीस हज़ार रुपये दे तो वो भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है उनको मतलब इनमें भी थोड़ा सा रूल्स लाने चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और फ़ीस ले लेंगे तो सबकी बात नहीं है बहुत ही रेयर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो अच्छे काम करते हैं तो अगर आप काउंट करोगे तो आप बीस बीस पच्चीस तीस से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है कि वो टीचर को पैसा नहीं देंगे जो यू के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग सस्ते में ले लेते हैं फिर तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने के लिए होगा अच्छा नहीं होता तो मतलब बहुत अच्छा रेगुलेशन चाहिए अदरवाइज़ क्या होगा कि आप खुद इमेजिन करो कि फिर अब उस एज में बच्चा जा रहा है पढ़ने जा रहा है अब उसको नहीं पढ़ा पढ़ने को मिलेगा तो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा इधर उधर की चीज़ों पे बच्चा इन्वॉल्व रहेगा तो हमें देखो इतना बड़ा हमारा यूथ है और इतने सारे लोग हैं उनको स्किल देना ज़रूरी है स्किल नहीं होगा तो आपको पता है कि फिर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं दिक्कत होते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है ये सब ये सब चैलेंजेस हैं जो कि देखना पड़ेगा तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि हायर uh, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टेट लेवल जो संस्थाएं हैं और प्लस आपकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट एम्पावर किया जाए इसके बाद कहा गया कि एक सुटेबल फंड सुटेबल फंड प्रोवाइड करना किसको सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एक सुटेबल फंड है फिर उसके बाद सेटिंग क्लियर टारगेट फॉर हायर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर मतलब जो हमारे इकनॉमिकली सोशल इकनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनका एनरोलमेंट इंक्रीज़ करना जेंडर इम्बेलेंस मतलब फ़ीमेल का पार्टी मतलब जो हमारे गर्ल्स हैं उनका इनरोलमेंट uh, भी हमें इंक्रीज़ जो है करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना खास तौर से जो आपके इकोनॉमिकली डिसडवानटेज सोशल इकनॉमिकली डिसडवानटेज जो है ग्रुप है एंड ज़्यादातर एडमिशंस को और करिकुलम को और मतलब सब कुछ सभी को इंक्लूड किया जाए वो भी हमें ध्यान में रखना है एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल हायर एजुकेशन की जरूरी मतलब पढ़ाई करके ये स्थिति बने कि नौकरी लग सके मतलब कुछ ना कुछ नौकरी लगे ये भी देखना है और डिग्री कोर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस में या बायोलिंग्वल में प्रोवाइड करना इसके बाद ये भी कहा गया कि जो तो भी हमारे फिजिकली चैलेंजेड डिफरेंटली एबल्ड हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करना ये भी ज़रूरी है एंड लाइक किसी भी तरीके का हरेसमेंट ना हो किसी प्रकार का डिस्क्रमिनेशन ना हो इसके लिए स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट तो ये सब चीज़ें करना जरूरी देखो ओवरऑल हायर एजुकेशन इम्प्रूव कैसे हो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आज हमें ये सब इम्प्रूव कर लेना चाहिए लेकिन देखो क्या होता है कि पूरी संस्थाएं होती है ना जो बड़ी बड़ी आपकी संस्थाएं ले लो तो संस्थाओं में क्या है कि जब तक देखो जब तक हम आ, हम जब तक हम आइडेंटिटी ख़त्म नहीं करेंगे खत्म करने का मतलब ये मान लो अगर टीचर का रिक्रूटमेंट होता है या टीचर है तो सर्टन आइडेंटिटी के साथ आते हैं ठीक है वो इस सेक्शन है वो इस कास्ट से है वो इस कम्युनिटी से स्टूडेंट्स का भी सेम सा है वो इस सेक्शन से है ये सारी चीज़ें देखो ये सब चीज़ें देखो एक ऐसी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि ठीक है एक बार रिक्रूटमेंट हो गया एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद हमें ये देखना है कि जब कोई कैंपस के अंदर आता है तो वो एक टीचर है वो एक स्टूडेंट तो ये बहुत जरूरी और ये तब होगा कैसे तब अब आप, आपका होगा जब हम जो पोलिटिसजेशन है यूनिवर्सिटी कैंपस का उसको हम एक तरीके से रोकेंगे तो मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी है है ना अभी आप ये देखोगे कि ऑक्सफोर्ड है या हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी संस्था वहाँ कोई इतने मतलब तो स्टूडेंट विंग तो नो डाउट होता ही है बट उसमें ऐसा नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इतना बड़ा कोई इलेक्शन हो रहा है तो लोग जो है आप देखोगे ना जो स्टूडेंट में स्टूडेंट यूनियन बनते हैं मतलब स्टूडेंट यूनियन इन द सेंस जो नेता लोग जो है रहते हैं तो जो पढ़ाई नहीं करेगा या बहुत रेयर होगा कि कोई एजुकेशन बहुत अच्छा है और वो आगे एजुकेशन के लिए कार्य करे तो सपोज करो कि अगर इवन बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर हमें स्टूडेंट विंग की भी ज़रूरत है कई सारे कंसर्न के लिए हॉस्टल के लिए फूड से रिलेटेड तो वो सारी संस्थाएं ए पोलिटिकल हों मतलब उसमें किसी भी पोलिटिकल पार्टी का एंट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी जब कैंपस के अंदर एंटर कर जाती है ना मतलब विचारधारा सोच तो फिर वहाँ पे पोलराइजेशन होता है टीचर्स के बीच में भी और स्टूडेंट्स के बीच फाइनली फिर पढ़ाई के अलावा दुनियादारी सारी होती है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब तक हम अपने कैंपस को तो हमारी संस्थाएँ हैं उन्हें ए पोलिटिकल नहीं करते हम क्योंकि ज, 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 जो उस पोलिटिकल में लेवल पर दो चार दस लोग हैं वो लोग इलेक्ट हो गए नेता बन गए उनका तो चलो फ्यूचर बन गया बट उस प्रोसेस की वजह से हजारों का फ्यूचर खराब भी होता है ये भी आप समझने की कोशिश क्यों क्योंकि टीचर्स भी पोलराइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स भी पोलराइज हो जाते हैं कास्ट के बेसिस पे कम्युनिटी के बेसिस में पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पोलराइज हो जाते हैं और फिर जो इवन आप कह सकते हैं क्योंकि देखो संस्थाएं जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनका काम यही है कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें स्किल प्रोवाइड करें अगर मान लो किसी को पॉलिटिकल करियर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास पंचायत पंचायती राज इंस्टीट्यूट इस पर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ऐसा कुछ कदम उठाए जाए कि बड़े बड़े जैसे मान लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या आई की अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो या कई ऐसे संस्थाएँ खास तौर से अगर आप पॉलिटिकल पेनिट्रेशन देखो तो इतना अधिक नहीं है जहाँ जहाँ पे सरकारी संस्थाएं हैं और वहाँ पे जहाँ पॉलिटिकल पे, पेनेट्रेशन बहुत अधिक है वहाँ पे कंटीन्यूस बेसिस में आप देखोगे पोलराइजेशन भी बहुत अधिक और उससे फिर पढ़ाई बहुत बहुत अफेक्ट होती हो तो जो नेता टाइप लोग होते हैं वो पहुँच जाएंगे कोई थार घुमा रहा है कोई एकदम पूरा रैली निकाल रहा है कभी कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है तो वो सब चीज़ें बड़ा एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें मान लो ये सब इशूज़ कोई एराइज भी होते हैं तो वहाँ पर ये जरूरी है उन इश्यूज के लिए हम एक सेपरेट ए पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग बना सकते हैं उसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं और वो जो नेता लोग होते हैं उनका तो चलो करियर बन जाता है तो लेकिन बाकी का तो बहुत नुकसान होता है ये सोचने वाली बात है मतलब ये इस लेवल पर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हायर एजुकेशन में कोई भी इंप्रूवमेंट बहुत मुश्किल बड़ा मुश्किल काम हो जाता है हायर एजुकेशन फ तो मिस्त्री ठीक है ये देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये सारी बातें जो आपकी हाईलाइट की गई हैं करिकुलम एंड एवरी इसके बाद ये क्या है एम्प्लॉबिलिटी इंक्रीज करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें ये भी ज़रूरी है हर सर्टन सेक्शन को देखना है और भी हम और भी चीज़ें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसमें देखें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक like बटन आप जरूर से प्रेस करें सेशन को लाइक like जरूर से करें साथ साथ में जो नोट्स है वो आप लोग जो है बनाते रहे ठीक है कोशिश करें सुबह जल्दी उठने की सेशन आप लोग टाइमली जो है वो अटेंड करें यह आपको देखना चाहिए आ, है ना कल मैंने एन वाला एक सेशन डाल दिया था वो आप लोग गोत्रो हों एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लास आज ग्यारह बजे होगी मतलब ऐप के अंदर होगी ए वाला कोर्स जल्द से जल्द हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे आपने जुड़े आप जुड़े नहीं तो ए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वाली तो कोर्स है उससे जरूर से जुड़ा सौरभ पांडे यू पी एस के अंदर जाके और एग्रीकल्चर ऑप्शनल देखो इस बार मैं पेपर एनालिसिस अभी देखो करता हूँ कल में वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल की सिलेबस और किस टाइप के क्वेश्चन आएँ वो भी मैं आपसे दिखाऊँगा और प्लस कुछ चीज़ें जैसे खास तौर से कैसे हम एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं लेकिन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी रास्ता आपके लिए ओपन हो जाता है अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है बहुत अच्छा ऑप्शनल है एग्रीकल्चर तो उसको आप लोग जरूर से गो थ्रू हो सकते हैं ठीक है क्लासेस कुछ डेमो क्लासेस भी मैं डालने का प्रयास चलो तो जोग्रफी का देखते हैं अब यहाँ पर ये यह जोग्राफी का टॉपिक है ख़ास तौर से यहाँ पे हमारे लिए एक रिवर के बारे में जानना जरूरी है जो कि जाम्बिया के अंदर लोकेटेड है ठीक है अब यहाँ पे देखो एक रिवर है जिसका नाम है कालाम्बो रिवर ठीक अब ऐसे तो आप पूरे अफ्रीका के रिवर पढ़ोगे नहीं अब रिवर ये न्यूज़ में तो कई बार मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं कालाम्बो रिवर जो है इन जाम्बिया जाम्बिया में लोकेटेड है अफ्रीका के सेकेंड हाइएस्ट वाटरफॉल है इसमें एंड यहाँ पे क्या है कि इसमें कहा गया दो ऐसे लॉग लौक, लॉग्स मतलब डंडे टाइप जो है वो टू लॉग्स ऑफ लार्ज फ्रूटेड हु ये मतलब कुछ ऐसा मिला है जहाँ पे अगर इमेज होगी ये कुछ ऐसा इनको मिला है है ना तो जिसमें ये पता चला है कि जो हम ये मानते थे कि जैसे लकड़ी से बनी हुई चीज़ें जो इंसानों के द्वारा इस्तेमाल होता था अब इसके जो हमें थोड़ा बहुत कंटे स्ट्रक्चर वुडन स्ट्रक्चर जो भी कुछ मिला है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जितना हम समय सोचते थे यार इस समय था उससे भी बहुत समय पहले से इसका ये वुडन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता था ये चीज़ आपकी हाईलाइट की है मतलब जो भी उसमें वहाँ पर कंटेंट मिला है तो वो कहाँ मिला है उनको वो मिला है इस रिवर के किनारे में जो है आ, मिला है तो यहाँ पे आ, जो लॉग्स थे यूजिंग स्टोन टूल्स पत्थर के जो पत्थर है उससे उससे जो है आ, जो डंडे हैं या लॉग्स हैं उसको शेप चेंज करना एक स्ट्रक्चर बनाना और फिर उसके बाद उसका किसी ना किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना फिर कई प्रकार के कार्य के लिए हंटिंग के लिए या है ना एक लकड़ी बना लिए उसमें एक ऐसा आला टाइप बना लिया और फिर उसको शिकार शिकार करने के लिए इस्तेमाल करना तो ये बहुत समय जो हम सोचते थे इस समय तक इसका इस्तेमाल था उससे भी कई समय पहले उसका इस्तेमाल करते थे ये अभी एक रिसर्च है वो आपकी हाईलाइट कर रही अब यहाँ पे देखो हमें एक रिवर के बारे में जानना है यहाँ पे रिवर्स का देख लो अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो ये जो रिवर्स है ये रिवर्स अगर आप देखोगे तो ये अफ्रीका की रिवर्स है जैसे ये रिवर्स आप याद रखना नाइल रिवर है आपके पास जो हैव नाइल रिवर देन कांगो uh, रिवर नाइजर रिवर जम्बेजी रिवर उबांगी रिवर कसाई रिवर ऑरेंज रिवर तबले रिवर सेनेगल रिवर लिम्पोपो रिवर ये रिवर्स आप याद रखना ठीक है जैसे ये लिम्पोपो रिवर है जम्बेजी रिवर है उबा रिवर है तबले रिवर है ठीक है नाइल रिवर है देख सकते हो सेनेगल रिवर है इधर सेनेगल रिवर है नाइजर रिवर है कॉन्गो रिवर है कसाई रिवर है कसाई रिवर है ऑरेंज रिवर है ठीक है, है ये सारी रिवर्स हैं अब इसमें देखो हमें ध्यान रखना है स्पेसिफिकली एक रिवर जो हमें हमारे चर्चा के लिए वो बेसिकली कौन सी है स्पेसिफिकली जो रिवर है उसका क्या नाम है द नेम ऑफ द रिवर इज यहीं पे लिखा होगा एक तो ये प्लेटू याद रखना दैट इज़ यू एफ आई पी ए उफीपा उफीपा प्लेटू कहाँ लोकेटेड है ठीक है ये सब कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फीपा प्लाटो कहाँ पे लोकेटेड है तो ये आपका यहीं पे लोकेटेड है मतलब इधर आई थिंक ये जाम्बिया है और ये आपका तंजानिया है यहीं पे लोकेटेड ये प्लेटो लोकेटेड और यहीं पे ये कालाम्बो रिवर है जाम्बिया में कालाम्बो या रिवर का कालाम्बो रिवर कालाम्बो रिवर? रिवर भी लोकेटेड क्योंकि तो यहाँ से आती है वो फीपा प्लेटो से रिवर आती है और यहाँ पे वाटरफॉल भी बनाती है ठीक है तो कालाम्बो रिवर और कालाम्बो फॉल यहाँ पे लोकेटेड है ध्यान में रखना है, है? है, है है, ठीक इधर एक लेक है जिसका नाम है लेक करके और भी ये, ये टेलीग्राम चैनल के अंदर उसमें आप लोग डाउनलोड कर लेना ठीक है तो उस में आप तो उस आप, में आप जो भी ये कंटेंट है, इसको आप कर लेना और देखो ज्योग्राफी में प्रश्न जितने भी इस बार भी मेंस में आए हैं तो सोर्स आपको शो किया है वो एक ना एक दिन किसी न किसी सेशन में हमने डिस्कस किया है चाहो तो वो वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग चाहो तो देख सकते हैं ठीक है वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा तो ये ध्यान में रखना है तो यहाँ पे देखो ये कॉलोम्बो जो रिवर है आ, ये जो रिवर है कालाम्बो ये कालाम्बो बेसिकली जाम्बिया और तंजानिया का एक हिस्सा है जिसका नाम सोंगवे रीजन है वहाँ पे ये लोकेटेड है और ये उफीपा प्लेटू है वहाँ से ओरिजिनेट होता है तो मैंने आपको उफीपा प्लेटू भी शो किया है ये देखो ये लोकेटेड है उफीपा प्लेटू इफ़ यू कैन सी यर ये प्लेटू वाला रीजन उफीपा यहीं से कोलम्बो रिवर निकलती है ठीक है अब यहाँ पे ये यह सब बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो इस पर नहीं लिखी इसमें तो बस इतना लिखा हुआ है कि ये वुड वाला स्ट्रक्चर मतलब इस्तेमाल करते हैं इतने साल पहले और ये सब मैंशनड है तो वो मैंने आपको बता दिया है लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए जो कंटेंट निकल कर आता है वो जोग्राफी का क्या निकल के आ सकता है इस रिवर के बारे में आ सकता है ठीक है और उसके आसपास की चीज़ें हैं जो आ सकती है जो हमको पता होना चाहिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक Uh, ये टॉपिक आपका है दिस इज लिंक्ड विथ न्यूली मिंटेड एन आर एफ हैज अ चांस टू ब्रिज इंडिया साइंस सोसाइटी गैप अब यहाँ पे हमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए एन आर एफ के ऊपर दस नंबर का प्रश्न आज नहीं तो कल आ सकता मतलब मेन्स में कभी ना कभी पूछ सकते हैं वो तो संस्थाएँ हैं जैसे मान लो इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस पर भी हमने चर्चा कर रखी थी कई बार और अभी एक कुछ इवेंट भी होना है तो उस वजह से भी ये लोग प्रश्न उन्होंने पूछा प्लस आईसी ट्रीटी जो हुई है उसकी वजह से उन्होंने नेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पे प्रश्न आपसे पूछा है ठीक है तो यहाँ पे देखो न्यूली मिंटेड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हैज़ अ चांस टू ब्रिज इंडिया साइंस सोसाइटी गैप इंडिया की जो साइंस सोसाइटी गैप है उसको ब्रिज करना अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए वट वी नीड टू नो इज वी नीड टू नो अबाउट द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तो देखो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का फॉर्मेशन हुआ है 2023 में बिल आपका आया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 में और इसके तहत ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है और उसका काम क्या है कि भारत के अंदर जितने भी साइंटिफिक वैज्ञानिक रिसर्च होंगे उसको गवर्न करना ये इस संस्था का काम है दैट इज़ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तो यहाँ पे जैसे जैसे मान लो साइंटिफिक रिसर्च अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस पर हम फोकस करेंगे तो रिसर्च दे, देखने का काम पूरे कंट्री के अंदर किसकी जिम्मेदारी है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तो लगभग पचास हजार करोड़ पांच साल के लिए आपका एलोकेट किया गया है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह आपका किया गया और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इट विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फिर इसमें गवर्निंग बोर्ड भी होगा जिसमें रिसर्चर्स होंगे प्रोफेशनल्स होंगे मतलब एक गवर्निंग बोर्ड होगा इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होंगे उस बोर्ड के मतलब यहाँ पे क्या समझना है कि गवर्निंग बोर्ड होगा जो इसको रन करेगा और उसके उसके चेयर मतलब उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो है मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर होंगे वो आपके इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे इसके बाद इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगी जिसमें आ, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होंगे अब देखो ये थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे ये फैक्ट थोड़े से याद रखने हैं क्योंकि प्रिलिम्स में भी बिल्कुल बढ़िया प्रश्न इसमें बन सकता है पहला कि प्रेसिडेंट कौन होंगे वो तो, जो तो गवर्निंग बोर्ड होगा उसका प्रेसिडेंट कौन है पी एम उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन है अच्छा एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई भी उस पोजिशन को होल्ड करेगा मतलब मान लो प्राइम मिनिस्टर एज अ पोजिशन विल बी एन एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा साइंस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होंगे वो ये याद रखना है फिर आपके जो आ, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको कौन हेड करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कौन करेगा और मतलब वो उसमें आपके होंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अब देखो कितने सारे टॉपिक्स आते हैं न्यूज़पेपर के और इतने सारे टॉपिक्स अगर आप मिस करते हो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि जिस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं ना उसमें ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैंने आपको कहा मतलब ये नहीं है कि हम खाली इंफॉर्मेशन फैक्ट हेडलाइंस कर रहे हैं कोई बोलेगा ये स्पीसीज आ गई कोई बोलेगा ये आ गया वो आ गया नहीं आपको टॉपिक्स करने हैं इशूज़ को करने वो ज्यादा मैटर करता है ठीक है अब यहाँ पे देखो ये जो नया लॉ हम लेकर आए हैं जिसमें जैसे मान लो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था इसकी जगह एन की गठन किया गया मतलब ये आपका इसे ख़त्म किया गया है उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च मतलब इंक्रीज करना देश के अंदर और साथ में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना ये एक जिम्मेदारी बनेगी इस बिल में भी जो एक बिल आया है इसके तहत इसका गठन किया गया उसमें ये चीज़ फोकस भी आपकी की गवर्नमेंट लगभग आ, पचास हजार करोड़ जो है देगा इसमें कैपेसिटी और स्कॉलरशिप और सब भी आपका दिया जाएगा ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जी ट्वेंटी डिप्लोमेसी वर्ल्ड ऑर्डर ये टॉपिक है इस पर कुछ नई चीजें मतलब इसमें इस आर्टिकल में कुछ नया आर्गूमेंट दिया गया है उस आर्गूमेंट को मैं बताऊंगा इसी पर मीन्स का प्रश्न भी मैंने आपको जो है वो हमने डिस्कस किया ठीक है अब इसमें देखो क्या है इन्होंने कंपैरिजन किया है एक तो बाली डिक्लेरेशन का और दिल्ली डिक्लेरेशन का ट्वेंटी की मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर हुई और उसमें जो भी ज्वाइंट स्टेटमेंट आया वो आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है बाली डिक्लेरेशन मतलब जी ट्वेंटी की पिछले साल जो मीटिंग हुई उसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया वो बाली डिक्लेरेशन हो ठीक है ये आपको ध्यान में रखना कमेंट सेक्शन बताओ वट इज ट्राइका ये बताओ कमेंट सेक्शन में वट इज ट्राइका ट्राइका क्या है ट्राइका एंड ट्राइका प्लस कमेंट सेक्शन बताओ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइका एंड ट्राईका प्लस ठीक है वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिट्वीन ट्राइका एंड ट्राइका प्लस दोनों में क्या अंतर है वो आपको बताओ कमेंट सेक्शन ठीक है सेशन लाइव देख रहे हो लाइक बटन जो है जरूर से आप लोग प्रेस करें पार्टिसिपेशन आप इम्प्रूव कर सकते हैं चलो जी ट्वेंटी डिप्लोमेसी एंड अ शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर अब इसमें देखो जो डिस्कशन है ये टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है ये टॉपिक रिलेटेड है आपका इंटरनेशनल रिलेशन ठीक है दिस इज बेसिकली लिंक्ड विथ वट वी कॉल इट एज आई आर आई आर से रिलेटेड अब इसमें थोड़ा सा मैं आपसे एक कंटेक्सट आपको देता हूँ ठीक है जिसमें मैंने आज का मेन्स का प्रश्न भी आप लोग के लिए बनाया है यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ तो आप ध्यान से सुनो देखो जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना जैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो रहा है पोलराइज्ड हो रहा है पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो आ, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ यूएस है दूसरी तरफ रशिया चाइना है तो लोग है, कुछ लोग इसके साथ हो रहे हैं कुछ लोग इसके साथ हैं पहले एक प्रिंसिपल था जिसे हम कहते थे नॉन अलाइन मूवमेंट कहा गया जाता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट जैसे कोल्ड वॉर के समय एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था इंडिया ने इसको ऑप्ट किया था क्यों क्योंकि इंडिया एक नया न्यूली इंडिपेंडेंट देश था उसको अपने रिसोर्सेज को अपने विकास के लिए यूज़ करना था और इसलिए ना वो यू की तरफ गया ना यू की तरफ जनरली जो कहा गया तो इसे नॉन अलाइनमेंट कहा गया लेकिन अब ये नया जो पोलराइज है पोलराइज विश्व है ये वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हम नॉन अलाइनमेंट नहीं रख सकते क्यों क्योंकि तो देखो हमारा कन्फ्लिक्ट चाइना के साथ भी है बॉर्डर डिस्प्यूट भी चाइना के साथ तो हम नॉन अलाइन नहीं कर सकते हम न्यूट्रल नहीं रह सकते इसके लिए हमें क्या है कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो भी कदम है वो उठाने पड़ेंगे भले हमें यूएस के साथ जाना पड़े तो कई जगह पे हम रशिया के साथ जा रहे हैं तो इंडिया को क्या है कि आज के समय में ये कहा गया कि अब जो नॉन अलाइनमेंट का एक सोच है उसकी श्रृंखेज हो रही है मतलब तो तो विश्व क्या हो रहा है विश्व बेसिकली पोलराइज हो रहा है कैसे या तो कोई यूएस की तरफ जा रहा है या रशिया चाइना की तरफ और जो नॉन अलाइनमेंट का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली इस पर श्रिंकेज हो रहा है मतलब इसमें कमी आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है हम आ, मतलब न्यूट्रल हैं हम किसी की तरफ नहीं हैं ऐसी सोच जो है वो अभी देखने को कम मिल रही है धीरे धीरे अब यही सेम सी चीज़ जो है आप कह सकते हो कि इंडिया ने कोशिश की अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर या जी ट्वेंटी में कि बैलेंस मेंटेन किया जाए ठीक है ऐसा नहीं हो कि वो रशिया को नाराज़ कर दे तो यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे हमने टेररिज्म को कंडेम किया क्लाइमेट इश्यूज रेस किया रिनीबल एनर्जी एनर्जी ट्रांजिशन ये सब रट लेना आप लोग ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है तो क्लाइमेट इशूज़ हैं उसके बाद रीनीबल एनर्जी है ये है फिर उसके बाद लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे शॉर्ट में लाइफ बोलते हैं तो उसके बाद जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं ठीक है मल्टी लेटर डेवलपमेंट बैंक्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक और ये सब इनको कैसे रिफॉर्म किया जा सके फिर जो आपका यू या दूसरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है ये सब इश्यूज़ इंडिया ने रेस किए ठीक और इसमें ऐसे है कि विश्व सभी लोग इस पर एग्री करते हैं इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये भी आपका हाईलाइट किया गया कि हमने जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस पर भी फोकस रखा पीस प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ें और इस जो आप कह सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के कंसेप्ट भी हमने फोकस आ, जो है किया गया इसके बाद यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे यहाँ पे हमने एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया हमने ऐसा नहीं किया कि हम रशिया को पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑल दो हमने ये ज़रूर से कहा कि ठीक है बातचीत के माध्यम से चीज़ों को किया जाए इस कन्फ्लिक्ट को थोड़ा रिड्यूस किया जाए बट हमने फिंगर पॉइंट रशिया पे नहीं किया है तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और बाली डिक्लेरेशन में बेसिकली यही अंतर है कि जो जैसे मान लो बाली डिक्लेरेशन में रशिया को कंडेम किया गया था पिछले जी ट्वेंटी में इसमें हमने नहीं किया हमने मतलब एक बैलेंस बनाने का जो है वो प्रयास किया है अब ये दोनों के बीच में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि आ, आ, आप कह सकते हैं कि डिफरेंस है तो ये मतलब जिसकी रशिया चाइना ने बाली डिक्लेरेशन को काफी अधिक क्रिटिसाइज भी किया था बट हमने ऐसा नहीं किया हमने एक बैलेंस बना के चलने का प्रयास किया अब जी ट्वेंटी की बात करें तो इंडिया इसका फाउंडर मेंबर भी था 1999 के अंदर इसमें फॉर्मेशन हुआ था जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और जो तो सेंट्रल बैंक है वो साथ में आपके आए और मतलब जी ट्वेंटी का जी ट्वेंटी मतलब पहला जब गठन उसका 1999 के अंदर हुआ तो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक का पार्टिसिपेट फर्दर एक समिट लेवल पे 2008, 2008 के अंदर हुआ और जी ट्वेंटी की जो मीटिंग है 2002 में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक की पहली बार हुई भी थी है ना फिर धीरे धीरे जो दो का क्राइसिस हुआ तो इसको और समिट लेवल पे अपग्रेड किया गया अब देखो अब यहाँ पे पहला तो ये हमने क्या डिस्कशन कर लिया इसमें पहला जो आर्टिकल के अंदर है कि जी में हमने क्या क्या किया

रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से होना चाहिए चाइना रशिया की तरह नहीं चाइना को साउथ चाइना सी पसंद है तो कहेगा जैसे चाइना ने क्या किया चाइना ने जी से पहले ही टेन डैश लाइन का ईजाद कर दी और टेन डैश लाइन में ताइवान को अपना हिस्सा बना लिया इस तरीके से चाइना का ये रूल बेस्ड नहीं है ना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी जो कि 1982 में आया उसके तहत है कि भाई 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया उस देश का है जिसके मतलब उसके लैंड बॉर्डर से जो 200 सौ माइल माई तो चाइना का अगर नहीं नाइन डैश लाइन है तो साउथ चाइना मेरा है फिर ताइवान मेरा है टेन डैश तो ये ऑर्डर नहीं है तो एक तरफ रूल बेस्ड ऑर्डर है डेमोक्रेटिक सिस्टम है और दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन सिस्टम है और आपका रूल की जगह आप कह सकते हो कि आ, मतलब डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑर्डर ला के आ, चलाना चाहती हैं इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्डर जो है वो चला रहे हैं दो ब्लॉक्स आपको देखने में मिल रहा है तो यहाँ पे कहा गया कि वर्ल्ड फेसेस इमर्जिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर द रिटर्न ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड श्रिंकिंग स्पेस फॉर द नॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई तो यहां पे देखो विश्व जो है एक तरफ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है अब इसमें कहा गया मतलब जो आर्गूमेंट है ऑथर ने ये दिया कि देखो हम जो जिस स्थिति में जा रहे हैं ना वो है इमर्जिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर देखो ये शब्द बहुत अच्छे होते हैं आई में नोट कर लेना इमर्जिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर मतलब हम जो है एक वर्ल्ड डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं है ना ऑर्डर डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है जैसे ऑर्डर मतलब एक सर्टेन सेट ऑफ अरेंजमेंट ठीक है मान लो रूल रेगुलेशन लॉ के तहत कोई चीज़ चल रही है रूल बेस्ड ऑर्डर हो गया अब यहाँ पे डिसऑर्डर का मतलब है कि जिसका जो मन किया वो करना तो ये डिसऑर्डर की स्थिति होगी तो यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन चलेगा नहीं सब अपना इंटरेस्ट जो पावरफुल होगा वो अपने हिसाब से चलाएगा तो हम कहा गए कि आप इमर्जिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हो और इसमें जो नॉन अलाइनमेंट की जगह है वो रिड्यूस हो रही है नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि दो पावर ब्लॉक्स हैं एक देश चाहता है कि ना मैं इसके साथ रहूँ ना मैं इसके साथ रहूँ लेकिन मतलब वो चीज़ उसके पास ऑप्शन अभी नहीं है इस इमरजिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर की अगर बात की जाए उसमें देखा जाए इवन जैसे मान लो फॉर uh, एग्जाम्पल uh, आप खुद देखो अभी मैंने कल आपको एक एक्सप्लेन किया था एजरबैजान ने uh, नागार्नो काराबाक रीजन पे हमला किया ठीक है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कल वाला सेशन देख लेना नाटो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है एक तरफ उसी डर को रशिया अपने एक्सपेंड कर रहा है देखो बहुत अच्छा आर्गूमेंट है ध्यान समझना इमरजिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है इमरजिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो तो अप्रोच यूएस अपना रहा है जैसे नाटो का एक्सपेंशन जो कि एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है और वो कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पर बेस्ड है रशिया एक तरफ यूक्रेन पे हमला करके अपना उस स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है मतलब जहाँ पे उसको लगता है कि यार यहाँ पे यूएस प्रेजेंट हो सकता है और मुझे खतरा हो सकता है तो उस पर अपना कब्जा करना चाहता है ये क्या है ये ये बेसिकली डिसऑर्डर है क्यों क्योंकि किसी रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से चीज़ें नहीं चल रही है आप कह दो कि नहीं जो यूएस कर रहा है वो रूल बेस्ड है और जो रशिया कर रहा है वो रूल बेस्ड नहीं है असल में तो दोनों ही रूल बेस्ड नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि रूल तो यही कहता है ना कि यूएन के अकॉर्डिंग कि आप किसी के टेरिटोरियल सवेरिटी को आप नहीं करें आप किसी पे जबरदस्ती का प्रेशर बना के और उसको मतलब जैसा मिलिट्री एक्सपेंशन और सब आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यूनाइटेड नेशन जैसा सिस्टम है और मल्टीलेटरल संस्थाएं हैं तो आप नाटो को एक्सपेंड करो तो ये रूल बेस्ड तो नहीं हुआ तो ये इमर्जिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर जो है वो देखने को कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो आपको मिल रहा है तो यहाँ पे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नाटो अपने आप को एक्सपैंड कैसे कर रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो रशिया जो है अपने आप को एक्सपैंड करेगा तो इसको काउंटर करने के लिए नाटो का एक्सपेंशन जरूरी है अब जैसे कल मैंने आर्मेनिया का आपको एग्जांपल दिया आर्मेनिया ने कहा क्या कि यार हम सी का हिस्सा हैं सी एस के बारे में कल चर्चा की थी तो आर्मेनिया ने कहा कि देखो हम सी एस का हिस्सा हमको क्या ही फायदा हुआ कि हम सी का हिस्सा बन और अजरबैजान ने नागारनोकार पे वो करके और हमें वहां से भगा रहा है तो आर्मेनिया को इधर से यूएस बोल देगा कि यार तुम चिंता मत करो सी एस टी और रशिया चलाता है तुम नाटो का हिस्सा बनो फिर देखते हैं कौन तुम्हें करते इस टाइप की थिंकिंग एक डेवलप आपकी जो है वो आ, होगा तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि नॉन नाटो एलाइज आर बींग टू ज्वाइन न यू एस लेड अलायंस टू काउंटर अथॉरिटेरियन मतलब खास तौर से ये चीज़ मैसेज दी जा रही है विश्व में कि देखो अगर आपको अथॉरिटेरियन रीजियम को ख़त्म करना है रशिया चाइना एक अथॉरिटेरियन रीजियम

हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ जुड़ नहीं रहे हम ना इसके साथ हैं ना हम उसके साथ हैं हम अपना जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे इसे नॉन एलाइनमेंट बोलते हैं अब ये चीज़ स्विंक हो रही है।, है ना कैसे वो हमने पहले डिस्कस कर लिया ठीक है अब यहाँ पे कई ऐसे संस्थान हैं जैसे मान लो ब्रिक्स है आ, है ना आ, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरी जो संस्थाएं हैं वो एक अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप कर रही हैं जैसे रशिया और चाइना चाहते हैं कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो ब्रिक्स जी सेवन का अल्टरनेटिव बने ब्रिक्स में और देश एड ऑन हो बहुत सारे देश अभी एड ऑन हुए हैं ना कमेंट सेक्शन बताओ लेटेस्ट कौन कौन से देश एड ऑन हुए तो ब्रिक्स जैसी संस्थाओं को रशिया चाइना एक्सपेंड करना चाहते हैं तो अब देखो विश्व पूरा का पूरा विश्व में ना तो धीरे धीरे सब अपने अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर डेवलप करना चाह रहे हैं ठीक है तो एक तरफ आप कह सकते हो जैसे रशिया चाइना ब्रिक्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं ब्रिक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं कई देश अभी आपके एड ऑन हुए हैं यूएस नाटो को एक्सपेंड कर रहा है डर किसका दिखा रहा है रशिया चाइना का डर दिखा रहा है ठीक है ये अपना थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं अपना मतलब नॉर्थ कोरिया के साथ मिल रहे हैं और जहाँ इनका मन चला वहाँ वो चल रहे हैं ठीक है अफ्रीका में प्रजेंस दिखाए फिर इनको काउंटर करने के लिए मान लो वेस्ट एशिया में गए तो वेस्ट एशिया का कॉरिडोर बना दिया अफ्रीका में गए तो जी ट्वेंटी में अफ्रीकन यूनियन को हिस्सा बना दिया तो विश्व इसी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो ये एक बड़ा चैलेंज फ्यूचर के अंदर जो है हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट देखते हैं सो सोसाइटी साइंस एंड सोसाइटी इतने सारे टॉपिक्स आते हैं ना कि आप खुद देख सकते हो कि uh, ठीक है कितने सारे टॉपिक्स आते हैं है ना मॉर्निंग में उठना इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ना मतलब ये टॉपिक आज के हैं आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखोगे ना तो जैसे मॉर्निंग में कई सेशंस आते हैं कई जगह पे बट वो कल का पुराना पढ़ाते हैं तो कल का पेपर होगा आज पढ़ा देंगे या कल के वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स होंगे उन्हीं को डाल देंगे अब ये चीज़ होती है बट हम लोग ये कर नहीं सकते बिकॉज ये अनिथिकल होगा ये सारे टॉपिक्स आज के न्यूज़पेपर के हैं ठीक है तो आप चाहो तो देख भी सकते हो क्योंकि स्क्रीन आपके सामने है न्यूज़ का तो आप लोग देख सकते हो कोई भी टॉपिक अगर आप देखोगे तो सब आज के न्यूज़ के हैं साइंस एंड सोसाइटी इस पर जी पेपर वन में इस बार भी प्रश्न आया है ठीक है इस बार भी अगर आप देखोगे तो इस पर भी एक प्रश्न आपका आया है और उस पर मैंने चर्चा भी कर रखी थी कि किस तरीके से आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस या ये सब चीज़ों सॉरी uh, किस तरीके से जो मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर इनका इस्तेमाल हो रहा है और कैसे ये बच्चों का सोशलाइजेशन अफेक्ट कर रहा है अगर कोई मुझसे पहले से जुड़ा होगा तो दे मस्ट बी अवेयर अबाउट हमने इस पर चर्चा कर रखी थी बट मैंने ये नहीं सोचा था कि इसमें प्रश्न आएगा वो तो आउट ऑफ क्यूरियासिटी जो मेरे मन में थाट आए तो मैंने आपसे शेयर कर दिए थे अगर आपको याद हो जो तो लोग जुड़े होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कोई ना कोई तो उस समय सेशन में रहा ही होगा ज़्यादा पुराना नहीं अभी जब तो तीन चार दो चार महीना पहले अगर आप देखोगे तो बहुत बार हमने इस पर चर्चा मैंने आपसे कर रखी कि है ना अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया कि हम मशीन मशीन से हम ह्यूमन मशीन से इंटरेक्ट करना तो सीख रहा है बट दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट करना नहीं सीख रहा रहे सब चीज़ें हमने डिस्कस कर अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज साइंस एंड सोसाइटी ठीक है इस पर हम चर्चा करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और इथिक्स से रिलेटेड भी आ सकता है इथिक्स का एआई

तो इसको भी इंडिया इसको दिसंबर में होस्ट करेगा तो आर्टिकल्स कहीं आएंगे तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे इस तो पर प्रेलिम्स के एक भी क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं तो अभी देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक बड़ी समिट अक्टूबर में होनी है और उसके बाद जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी एक बड़ी आ, आप कह सकते हैं समिट आपकी ग्लोबल समिट होनी है दिसंबर के अंदर तो उस समय बहुत आर्टिकल्स आएंगे तब हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले माहौल बनाया जा रहा है और कई पॉइंट्स बोले जा रहे हैं उसको देखते हैं जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन इथिकल एक्सपेंशन ऑफ एआई आई देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में हर जगह इस्तेमाल हो रही है अब एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने मतलब समझो कि जैसे मान लो जैसे समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर आ, हम कैसे मतलब हम एक दूसरे को एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं कैसे कंपेयर करते हैं कोई भी रीज़न है ये इस टाइप के कपड़े पहनता है इसकी बॉडी इस टाइप से है और ये देखने में इस तरीके से लगता है ठीक है ऐसे फिर जैसे मान लो लोग मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना वो कहेंगे कि ये वाली क्रीम लगाओ इस वाली क्रीम से तुम ऐसे हो जाओगे देखने में ठीक है बॉडी बिल्डर्स होंगे कि दिन भर एक्सरसाइज करो तुम्हारी बॉडी ऐसी फूल जाएगी इस टाइप की हो जाओगे आप ये समझो कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे हम ये चाह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि जो भी पर्सन जिस भी तरीके से है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे कि वो एस्पायर हो कि मुझे अपने इमेज को और अपने बॉडी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाना है अब क्या हो रहा है कि जनरली जैसे मान लो वो कैसे करेगा खुद के लेवल पे मेहनत करना भाई जिम गए या फिर ये किया एक्स वाई जेड किया और फिर मेहनत करके अपना जो तो भी है सही हो गए लेकिन अब क्या हो रहा है एआई के माध्यम से नए नए तरीके से लोग अपनी जो इमेज है जो पिक्चर है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस करके अपने आप को अलग सा दिखाने का प्रयास करें या प्रयास कर रहे हैं और ये एक नए तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पैदा कर रहा है या पैदा करेगा आप ये देखो कि आज के समय में जैसे एक सिस्टम ये चला कि जैसे कोई पोस्ट आपने सोशल मीडिया में किया सोशल मीडिया में आपने पोस्ट किया और उसमें बार बार ये देखोगे मान लो फोटो खींची और डाला ठीक है अब ये एक बड़ा डिसऑर्डर चल रहा है अब उसमें बार बार खोल खोल के देखोगे कि यार कितने लाइक किया किसने लाइक किया किसने लाइक नहीं किया मतलब दिन भर यही चलता रहेगा दिमाग के अंदर फिर बार बार फोटो खींचना ये अच्छी नहीं आ रही इसमें मेरी नाक ऐसी आ रही है उसमें वो ऐसा आ रहा है दिन भर फोटो कर अब मान लो एक दो बार तो ठीक है बट ये ये चीज़ें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करते जा रहे हैं समाज के और हम एस्पायर कैसे होंगे एस्पायर कैसे करें किसी ने बढ़िया ए का इस्तेमाल करके अपनी इमेज देखा ठीक है इमेज बना के और उसमें डाल देगा ए आपको कैसा भी बना के दिखा देगा अब सामने वाला भी चाहेगा यार मैं भी ऐसा ही दिखूँ है ना क्यों क्योंकि सब वर्चुअल वर्ल्ड में है जब सब लोग वर्चुअल वर्ल्ड में हैं तो सब आप समाज के अंदर आप देखते हो कि यार मैं हूँ तो जब आप फिजिकल वर्ल्ड में हो तो आपको पता है कि यार मैं ऐसा हूँ और सामने वाला ये ऐसा है वो ऐसा है उसने ये किया तो आपको पता है कि कौन कैसा है क्यों क्योंकि आप सामने जा देख सकते हो वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअल रियलिटीज़ हैं जो कि हो सकता है रियल real रियालिटीज़ से बहुत दूर हों और उसमें अलग अलग आइडेंटिटीज़ जो क्रिएट होंगी वो अलग अलग तरीके का लोगों के अंदर एस्पिरेशन पैदा करेगा चाहे अपने आप को वो कैसा दिखता है वो एक बड़ा तो यहाँ पे देखो कि हम अगर बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि डेटा पर बेस्ड है जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक जैसे हमारा शरीर है शरीर को रन करने के लिए हमारा जो ब्लड है और दिमाग में न्यूरॉन्स हैं उसके माध्यम से ही हमारा हर चीज़ रन होता है शरीर में ब्लड है तो ब्लड फ्लो सही से कर रहा है दिमाग में न्यूरॉन्स हैं उसके माध्यम से हम चीज़ें देखते हैं समझते हैं एबिलिटी आपकी डेवलप होती है तो उस हिसाब से हमारा परसेप्शन बनता है हम हम अपना बिहेव करते हैं सारी चीज़ें लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहिए डेटा अब डेटा आपको शो करे डेटा मतलब ये शो करे कि देखो ये कम्युनिटी है ये ऐसे लोग होते हैं आ, ये इस स्किन कलर के लोग जो हैं ऐसे होते हैं जैसे एक डेटा हमने डिस्कस किया था कुछ समय पहले कि कुछ भी मतलब जैसा मान लो कोई इमेज बनानी है जिसमें एक डॉक्टर हो और एक पेशेंट हो तो इमेज एआई कैसे क्रिएट कर रहा था कि जो ब्लैक स्किन है जिनकी उनको वो पेशेंट दिखा रहा था और वाइट स्किन वालों को डॉक्टर दिखा रहा था मतलब इमेज ऐसी बनी अब ये क्या रूल है मतलब कोई पेशेंट क्या गारंटी कि वो वाइट स्किन वाला मतलब पेशेंट तो कोई भी हो सकता है ये क्या है ये ये होता है डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच क्यों क्योंकि डेटा में फीड इस तरीके डेटा ऐसा फीड कर दिया गया है कि ए उसी तरीके से काम करेगा अब मान लो एक इंडिविजुअल हम लोग एक इंसान के रूप में अगर देखें तो हमारा व्यू पॉइंट फिक्स नहीं है आज हम एक्स सोच रहे हैं कल वाई सोचेंगे परसों जड सोचेंगे और हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसकी सोच रहेगी एक जैसी सोच उसकी नहीं रहेगी है ना मतलब एक तरीके से वो नहीं सोचेगा और यही डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन डाइवर्सिटी ऑफ थाट आपका समाज के अंदर एग्जिस्ट करती है बट अगर हमारा हर चीज़ ए पर बेस्ड होगा और ए का हर चीज़ डेटा पर बेस्ड है और डेटा डिस्क्रिमिनेटरी है तो हमारे परसेप्शन और जो एक प्रिजुडिस है वो डेवलप होगा दूसरों के प्रति और ये फिर हम चाहे हम हम भी वैसा ही डेवलप करेंगे मान लो आप तो चलो पुरानी जनरेशन से थोड़ा सा हो है ना बट जो नई जनरेशन 2000 के बाद है 2005-6 में आएगी जिन्होंने पूरा सिस्टम ही ऐसा ही देख रखा है उन्हें तो बस यही लगेगा कि ये लोग ऐसे होते हैं वो वैसे होते हैं इस टाइप से होता है इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो होगा फिर और भी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेगा तो कैसे इथिकल एक्सपेंशन ए का करें ये एक विश्व का बहुत बड़ा आज के समय में इशू जो है वो आपका बनेगा ठीक है ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना ठीक है देखो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इसमें इस पर एक प्रश्न भी इस बार मीनस में जो है आ, है ठीक है तो इंडिया खास तौर से देखो इस बार प्रश्न था चिल्ड्रंस पे भी प्रश्न था तो देखो आप खुद समझो कि एक छोटा बच्चा है वो मोबाइल फ़ोन से मतलब तीन चार साल से मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट होना तीन चार साल तो छोड़ दो मतलब जब भी मतलब डेढ़ साल से ही शुरू हो जाता है ठीक है आपके घर में भी होगा तो वहाँ पे फिर बच्चा फ़ोन पे देखना चीज़ें शुरू हो जाता है डेटा कंजम्पशन शुरू हो जाता है मतलब एक इतनी यंग एज में धीरे 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 और बढ़ता जा रहा है ठीक है तो धीरे धीरे बच्चा अपना एक लाइफ क्रिएट कर लेता है एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेक्शन आपका रिड्यूस होता चला जा रहा है तो इससे फिर धीरे धीरे जो एक सोशलाइजेशन है सामाजिक लेवल पे है ना जैसे आपको पता है कि मैं सोसाइटी में जाता हूँ सोसाइटी में पचास लोग से इंटरेक्ट करता हूँ तभी तो समाज में डिफरेंट रिलेशन बनते हैं और तभी तो आप समाज का हिस्सा बनते हो और आपसे आपके माध्यम से समाज एक्सपेंड करता है आपकी कल्चरल आस्पेक्ट थाट प्रोसेस सब कुछ आपका डेवलप होता है बट अगर बच्चा सिर्फ मशीन के साथ लर्न इंटरेक्ट uh, करना जानता है और वर्चुअल वर्ल्ड में ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है सोसाइटी में कैसे अपने प्रेजेंस को वो एंश्योर और सिक्योर कर सकता है ठीक है तो ये एक आगे चल के बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए बनेगा और इसलिए ए का जो इम्पैक्ट है बच्चों पर उसको कैसे रेगुलेट किया जाए इस पर वर्क करना और इंडिया इस पर एक एक्जाम्पल सेट कर सकता है क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उस पर डेवलप हो रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एडिक्शन है मेंटल हेल्थ है ये सब चीज़ें देखने को मिल प्रॉब्लम्स uh, देखने को मिलती है अब आज के समय में ये भी पॉसिबिलिटी है कि तो मान लो मैं सामने खड़ा हूँ अब जैसे अब आज के समय क्या होता है आज के समय में ये देखने को क्या मिल रहा है कि आज हम प्राइवेसी तो बहुत बोलते हैं प्राइवेसी प्राइवेसी करते रहते हैं लेकिन आप खुद समझो सोशल मीडिया के अंदर आप चले जाओ या आज के समय में यूट्यूब में शॉर्ट्स में चले जाओ इंसान सारी जानकारी अपनी शेयर आज हमने ये खाए आज हम ये कर रहे हैं आज हम मतलब तो क्या जानकारी नहीं है जो तो लोग शेयर नहीं करते हर चीज़ करते हैं शेयर। अब इसमें आप इस चीज़ को समझो कि आपने अपनी जानकारी अपनी फोटो अपना वीडियो हर चीज़ आपने शेयर कर दिया ए के माध्यम से आज के समय में पॉलिस मतलब पॉसिबिलिटी है कि उस चीज़ पर कुछ मॉर्फ किया जा सकता है डी फेक के माध्यम से उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है मतलब इमेजिन भी नहीं आप कर सकते हो कि, कि किसी के वॉइस और किसी को किसी के भी मान लो कोई भी पर्सन है ना उसकी वीडियो कुछ भी बना के और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो कि वो असली है कि नकली है ये देखने को मिल रहा है और ये सब पॉसिबल क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम इंडिया के तरफ से हर तरीके का डेटा जो है हम प्राइवेट से प्राइवेट डेटा हम अपना शेयर करते हैं वो डेटा सोर्स ए के लिए बन रहा है और धीरे धीरे वो जो है फेक्स क्रिएट करने में भी इस्तेमाल जो है वो कर रहा है तो इससे कई कई सारी चीज़ें तो डेटा हंगरी ए आई बेस्ड डिजिटल सर्विस इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो डेटा है ना उस उसमें डेटा में हमारा कंट्रोल होना जरूरी और इसलिए ए में रेगुलेशन भी बहुत अधिक जरूरी है क्योंकि उसमें हर एक चीज़ डिपेंड करती है डेटा पर उसका सारा का सारा एल्गोरिदम कोडिंग वोडिंग जितनी भी है वो डेटा पर ही निर्भर आपका काफ़ी हद तक जो है वो डेटा पर ही आपका निर्भर जो है वो आ, करती है ठीक है जैसे इसमें एक एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको बॉडी इमेज इशू बहुत बड़ी दिक्कत हो गई आज के समय मतलब आप फोटो देख लो इंस्टाग्राम और जो भी है ठीक है लाइक like, uh, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ आई ना इधर यूज़ इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ एक टेलीग्राम है और एक यूट्यूब है ठीक है तो अब आप सोचो बाकी लोग तो करते हैं यूज़ करना कोई ख़राब नहीं है वो सबका अपना अपना चॉइस है लेकिन आप सोचो कि इमेज इशूज़ uh, बहुत है इमेज बॉडी इमेज मतलब कि मैं कैसे देखने में लग रहा हूँ लग रहा हूँ या लग रही हूँ ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये इसने एक ये इसने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करो ए आई आपको कह रही है कि आप कैसे भी हो मैं आपको जैसा आप चाहते हो ना वैसा बना दूंगा ठीक है तो वो एक फिर क्या हुआ एक ऐप आ गया उस ऐप आप में आपने अपनी, अपनी इमेज डाली और उसमें जैसा भी आपको अपना बॉडी करना है स्ट्रक्चर करना है कर लो ठीक है वो एक बिजनेस क्रिएट हो गया फिर कहेंगे आप सब्सक्रिप्शन ले लो ठीक है तो जो ये एस्पिरेशन है ये उनके लिए बिजनेस मॉडल बन रहा है आज के समय में क्यों क्योंकि हम अलग दिखना चाहते हैं ये एक आपका क्या है बॉडी इमेज इश्यूज क्रिएट करेगा अब हमारे अंदर हीन भावना आ जाएगी ना तुरंत यार वो ऐसा लग रहा है वो वैसा लग रहा है ठीक तो मुझे भी ऐसा ही देखने में लगना है मैं खराब ना लगूँ या लगूँ या न लगी जो भी आप समझो ये बॉडी इमेज इशू एक रहेगा ठीक है तो ये एक बड़ा है फिर उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन रेडिकलाइजेशन सेक्सुअल ग्रूमिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ ये सब देखने को मिल रहा है और इससे जो बच्चों का माइंड है वो बहुत अधिक अफेक्ट हो आप सोचोगे कि यार ये क्या बात होती है कैसे अफेक्ट हो जैसा भी कंटेंट आप कंज्यूम करोगे ना आपके थॉट प्रोसेस भी उसी प्रकार से ही डेवलप होंगे ठीक है डिफरेंट नहीं होंगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये कहा गया कि लाइक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल नागरिक मस्ट ऑल्सो ग्रैपल विद द इनडायरेक्ट अफेक्ट ऑफ देयर फैमिलीज ऑनलाइन एक्टिविटीज शेरेंट्स रेगुलरली पोस्ट फोटोज वीडियोज शेरेंट्स मतलब पेरेंट्स का अबाउट देयर तो मतलब हर चीज़ है ना हर चीज़ सेंड करना तो so, यहाँ पे क्या है कि यही तो दिक्कत है अब, है ना मतलब आप ये देखो ना छोटे से छोटा बच्चा तो बड़े से बड़ा हर एक चीज हर एक चीज हम डाल रहे हैं मतलब सोशल मीडिया के अंदर डाल रहे हैं अब वो तो देखो ए के लिए तो डेटा है ना वो डेटा क्रिएट हो रहा है कि अच्छा बच्चा है ऐसा है इसमें ऐसे ऐसे चीजें होती हैं बड़े लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो वो डेटा उसके लिए बिल्ड होता जा रहा है एआई और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा फिर एआई और रियल चीज़ें बनाना स्टार्ट ठीक है तो ये एक चैलेंज है बने मतलब आपकी फैमिली एज ए यूनिट भी इससे काफ़ी हद तक अफेक्ट करे ए आई पावर डीप फेक कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि यंग पीपल को टारगेट कर सकते हैं जो है ना आ, मतलब अब आप ये समझ सकते हो कि सेक्शली एक्सप्लिट डिपिक्शन किसी का भी किया जा सकता है एआई के बेसिस में मतलब क्योंकि सारा डेटा है ही आपका सारा कंटेंट प्रेजेंट है सारी फोटो वोटो तो वीडियो वीडियो सब आप सोशल मीडिया में डाल रखा है तो वो आपका वो सारा यूज़ करके कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर देगा कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि सच क्या है ये सब चैलेंज है जो कि फेस करने पड़ेंगे फ्यूचर ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे हमें देखना है कि इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज अक्रॉस जेंडर कास्ट ट्राइबल आइडेंटिटी रिलीजन लिंग्विस्टिक हेरिटेज तो इंटरनेशनली इज नोन टू ट्रांसपोज रियल वर्ल्ड बायसेस है ना तो यहाँ पे देखो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो डेटा डिस्क्रिमिनेशन का मैंने आपको पॉइंट स्टार्टिंग में बताया है और है ना तो डिफरेंट सेट ऑफ आइडेंटिटीज हैं उनसे रिलेटेड कल्चरल कंटेक्ट है उसको हमको प्रिजर्व करना है अब वो हम कैसे करते हैं और डेटा जो भी जनरेट हो रहा है वो बायस ना हो वो भी हमें देखना है तो इसके लिए क्या है कि हमें ख़ास तौर से जो भी इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है है ना चिल्ड्रंस पे पड़ता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम अपने जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसके माध्यम से हमने कई मतलब कई हमारे क्लॉज हैं उसमें डेटा प्रोटेक्शन के कंटेक्स में लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है कि जो भी ए का इस्तेमाल है बच्चों पर वो इम्पैक्ट है वो कम से कम रहे इसमें यूनिसेफ का एक गाइडलाइंस भी है ये पॉइंट आप याद रखना Uh, जिसमें आइडेंटिफाइज नाइन रिक्वायरमेंट फॉर चाइल्ड सेंटर्ड ए है ना चाइल्ड सेंटर्ड ए मतलब कोई भी अगर हम ए कोई ऐप बना रहे हैं ए बेस्ड कुछ बना रहे हैं उसमें नौ ऐसे चीज़ें हैं जो कि डिराइव किए गए हैं यू एन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड से अब इसमें क्या है कि जिससे कि बच्चे का बच्चे के लिए वेल वेलबींग इंक्लूजन फेयरनेस नॉन डिस्क्रिमिनेशन सेफ्टी ट्रांसपेरेंसी एक्सप्लेनेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी देखो ये रट लेना आप ठीक है uh, हाँ ये रट लेना आपको ये देखो ये फ्यूचर में भी प्रश्न इसमें आ सकता है ठीक है एआई का एआई का इम्पैक्ट सोसाइटी पे एआई का इम्पैक्ट फैमिली पे जैसे इस बार वो बच्चों पे पूछा था तो ये पैं पॉइंट से आते कि कोई भी एआई बेस्ड अगर सिस्टम बनता है उनको ये नाइन प्रिंसिपल्स पे या नाइन चीज़ों पर रखना चाहिए मतलब ध्यान रखना जो कि यूनिसेफ ने सामने रखा है इसके अलावा अनदर की फीचर ऑफ सक्सेसफुल रेगुलेशन की अलग अलग जो डिफरेंट एज ग्रुप है उसको कंसीडर करते हुए डेवलपमेंट स्टेज को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करना उसके बाद कैलिफोर्निया एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड एक्ट है अब इसमें भी मतलब हाईलाइट आपका किया गया है जैसे मान लो प्राइवेसी सेटिंग एल्गोरिदम डेटा कलेक्शन एडवर्टाइजिंग सिस्टम देखो बच्चों के ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए एडवर्टाइजिंग का जिससे कि उसका वो हार्म हो मतलब होता है ना कि आज के समय में ऐसा कंटेंट आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो हो कि वो उसको उस पर उस पर बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ेगा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आज के पड़ेगा जैसे आज के समय में एक कंटेंट चलता है आप देखो ना कि आ, अब इसमें आप आप लोग एजुकेटेड माइंड सो आप समझ सकते हो इस चीज़ को जैसे मान लो यूथ है बीस बाईस साल की एज है अठारह साल की एज है अब उसमें एक आदमी एक लड़का आएगा स्कॉर्पियो से ठीक है आज के समय में त, ये शॉर्ट शौ, वीडियो चलते हैं ना आएगा फिर वो निकलेगा फिर उससे वो एक एक वो डंडा निकालेगा फिर वो दूसरे लड़कों को मारेगा अब उसको जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं वो सोच रहे हैं मैं भी ऐसा ही करूं। अब उसमें अगर उसको मिलियंस बच्चे देख रहे रहे हैं हैं इट सेम प्रोसेस मिलियंस लोग में जा रहे हैं। और उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्यों क्योंकि उनको लगता है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगा अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि यार ये चीजें हैं इसको कुछ ही लोग कंसीडर करेंगे कि हाँ भाई ये ठीक है इतना जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई वो स्कॉर्पियो से आ रहा है बाहर निकल रहा है डंडा लेके किसी का काँस तोड़ रहा है किसी का सर तोड़ रहा है किसी को, को, को पिटाई कर रहा है कोई कुछ कर रहा है उस चीज़ को यंग एज में अप्रिशिएट धीरे धीरे होता जा रहा है क्यों क्यों क्यों, क्यों क्योंकि बच्चों के माइंड में इस प्रकार का कंटेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है इट मीनस वॉट डिफरेंट डिफरेंट जो डेवलपमेंट स्टेज है स्टूडेंट्स uh, मतलब बच्चों की वो उनको किस प्रकार का कंटेंट मिल रहा है और ये देखना कि वो कंटेंट उनको हार्म ना करे हेल्थ को भी और एज अ इंडिविजुअल के लेवल पे देखा जाए तो वो भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा इसमें भी कैलिफोर्निया एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड एक्ट ये आपको याद रखना है ये चीज़ आप नोट कर लेना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तो यूनिसेफ वाला पॉइंट याद रखना एक ये कैलिफोर्निया एज अप्रोप्रिएट डिजाइन एक्ट की बात करना ठीक है तो यहाँ पे देखना है कि हमें भी ये एक रिसर्च डेवलपमेंट करके एक डेवलप कर लेना है कुछ पॉइंट्स की अच्छा ये ये चीजें अगर की जाएंगी इसका इम्पैक्ट कुछ इस प्रकार का होगा क्या बेनिफिट हो सकता है वो तो चलो ठीक है कुछ बेनिफिट्स हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं तो उनको कैसे किया जाए ठीक है ये थोड़ा सा देखना है तो यहाँ पे देखो हमें देखना कि हमारे सोसाइटी का थॉट प्रोसेस कैसा देख? क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट हमारे माइंड में जाएगा जैसे अब फैमिली है कोई ये फैमिली में कुछ वैल्यू सिस्टम है तो जो भी बच्चा उस फैमिली के अंदर होगा तो वो वैल्यू सिस्टम उसको ट्रांसफ़र होंगे और धीरे धीरे सोसाइटी में भी अगर जैसे जैसे वैल्यू सिस्टम होगा उस बच्चे को ट्रांसफर होंगे वो उस प्रकार के वैल्यू आगे लेकर जाएगा लेकिन आजकल जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ फैमिली और स्कूल तक सीमित नहीं है उससे दस गुना इम्पैक्ट उसका वर्चुअल वर्ल्ड में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या जो भी वो डेटा एक्सेस कर रहा है डिजिटल डेटा जो एक्सेस कर रहा है उसका इम्पैक्ट उसके माइंड में जा रहा है और इसकी वजह से कई कंटेंट ठीक ठीक ठाक हैं कई कंटेंट ऐसे भी हैं जो कि उस बच्चे को हार्म भी कर सकते हैं ठीक है तो हमें ये देखना है कि जब हम एक इथिकल रेस्पॉन्सिव ए डेवलप करें तो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट को भी कंसिडर करना चाहिए और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट और ये थोड़ा जो ऊपर पॉइंट्स है वो आपको ध्यान तो है। में रखें ठीक है ये बहुत अल्टीमेट है मेज का प्रश्न देख लो नॉन अलाइनमेंट इज श्रिंकिंग एंड पोलराइजेशन इज स्प्रेडिंग इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करना नई विश्व व्यवस्था में गुट निरपेक्षता कम हो रही है और ध्रुवीकरण फैल रहा है इस पर आप आंसर लिख सकते हो सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे आप अपना आंसर सेंड कर सकते हो और ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको सेंड करना है। बच्चे आंसर सेंड करते हैं आप भी सेंड करो ठीक है सौरभ पांडे यू पी जरूर से डाउनलोड करना इस पर क्लासेस चल रही हैं इसमें ई बुक भी है जिसमें दो हज़ार प्लस टॉपिक्स सेकेंड से ए आर सी का कोर्स जल्द से जल्द स्टार्ट जल हो रहा है आप लोग जरूर से जुड़ो पेपर टू थ्री फोर के लिए ये रिपोर्ट्स मैं कवर करूंगा सेकंड एआरसी के लिए इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है उसकी अभी क्लास ग्यारह बजे होगी आज एट्थ क्लास है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप एक बार जरूर से गो थ्रू हो सिलेबस देखें और हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आपका रास्ता ओपन हो जाता है ये ई e बुक आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो सौरभ पांडे यू ऐप में जाके तो ये ये सब कुछ आपका द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस डाउन टू अर्थ से रिलेटेड रिले, जितने रिले, भी टॉपिक है जनवरी से लेकर जुलाई तक के इसमें कवर्ड है साइंस एंड टेक का कोर्स भी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा इस वेबसाइट पे जाके आप जाके जोग्राफ़ी एनवायरनमेंट साइंस के जो टॉपिक्स मैगजीन है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्लस करंट अफेयर्स की पी चाहो तो डाउनलोड कर सकते आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सेशन को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ठीक है और अपना कमेंट ज़रूर से दें अटेंडेंस जरूर से दें थैंक यू एवरीवन थैंक यू